रीवा के सुहागी में बीती रात सड़क हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जारी है। जिनका हालचाल जानने पूर्व कैबिनेट मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला भी पहुंचे। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि बीती रात हैदराबाद से लखनऊ जा रही यात्री बस और ट्रक के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सभी दिवाली मनाने अपने घर जा रहे थे। इसमें जो घायल लोग हैं उसमें से 18 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हीं को देखने में आया हुआ था, जिसमें कि करीब 8 हैं ऑर्थोपेडिक्स में, बाकी सर्जरी में हैं। और बड़ी दुखद घटना रही है, क्योंकि 15 लोगों की मृत्यु हो गई, 14 तो स्पॉट पे मृत्यु हो गई और एक यहाँ जब लाया गया था तो वो ब्रॉड डेड ही थे। और टोटल 40 लोग लाए गए थे, जिसमें से कि अब 18 बचे हैं, बाकी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। सभी हैदराबाद में नौकरी करते थे और दीपावली में अपने घर जा रहे थे। गोरखपुर के आसपास के लोग हैं। यहाँ प्रशासन और अस्पताल का जो प्रबंधन है वो पूरी तन्मयता के साथ इनके इलाज में लगा हुआ है और डॉक्टरों का ये कहना है कि खतरे से बाहर हैं और इनको वो ठीक कर लेंगे।